हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की कुछ साड़ियाँ जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं रीसेलिंग का वीडियो एंड लगातार वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। हुआ ऐसा कि मैंने 3 से 4 वीडियो जो है शूट कर लिया था, लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम हो गया। जो भी वीडियोस मैंने शूट किया था वो सब कांट प्ले कर करके सब वीडियो बंद हो गई, मतलब दिखना ही बंद हो गया। उसमें से फाइल तो दिख रहा था लेकिन वीडियो नहीं दिख रहा था। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, तो मेरी 4 से 5 वीडियो की मेहनत पानी में चली गई। तो मेरा थोड़ा मूड भी ख़राब हो गया था, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद अगर उसका फल भी नहीं मिलता और इतना मेहनत कर रहे, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है उस चीज़ का। 4 से 5 वीडियो मैंने शूट किया था, सब डिलीट हो गई। पता नहीं कैसे अपने से करप्ट हो गई। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। तो आज के इस वीडियो में जितनी भी मैं साड़ी आपको दिखाने वाली हूँ, इंस्टाग्राम पे आपने इन साड़ियों का रील देखा ही होगा, और मैंने इंस्टाग्राम पे देखने के बाद ही ये साड़ियों को मीशो से परचेस किया था। तो चलिए दिखाते हो सबसे पहले साड़ी। तो सबसे पहली जो साड़ी है वो है ये वाली। इसका ओरिजिनल पिक जो है मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, आप देख लीजिएगा। एक्चुअली ये साड़ी को मैंने काफ़ी दिनों पहले मीशो पे देखा था। मेरा बड़ा मन था इसको लेने का, लेकिन पता नहीं जब भी मैं लेना चाहती थी तो ये साड़ी आउट ऑफ स्टॉक हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने प्रिया दीप मैडम है उनको देखा था ये साड़ी का रील शेयर करते हुए। तो फिर मैंने तुरंत ही देखा तो ये साड़ी वहाँ पे मीशो पे अवेलेबल थी। तो मैंने सोचा चलिए अभी अवेलेबल है तो क्यों ना इसको मंगा लूँ। तो साथ ही साथ में आज के इस वीडियो में साड़ियों के साथ रीसेलिंग का प्राइस भी यहाँ पे मेंशन करती जाऊंगी। तो आप अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा इंस्टाग्राम नहीं मिल रहा है या फिर इंस्टाग्राम पे आप नहीं जा पा रहे हैं, तो मेरा इंस्टा आईडी है ANJU1506। ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप वहाँ पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो सबसे पहले जो साड़ी है ये है मल्टी कलर की, बहुत ही प्यारी। आप खुद ही देख सकते हैं वीडियो में, आपको दिख रही होगी, इतनी सुंदर है। इसमें 4 से 5 कलर आपको मिलते हैं, मतलब एक रेड कलर आपको मिल जाएगा, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन है। बहुत सुंदर साड़ी है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे इसके ब्लाउज से। ब्लाउज जो है आपको देखिए इस तरह से मिल जाएगा। इतना आपको ब्लाउज के लिए यहाँ पे ये मटेरियल दिया जाता है। यहाँ पे आपको ये वाली बॉर्डर दी गई है, पाइपिंग की जैसी ये बॉर्डर आपको मिलेगी। बैक साइड से आपको इस तरह से ये दिखेगा, ये देखिए। ब्लाउज का जो मटेरियल है ना, वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा, क्योंकि जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दुपिन सिल्क, बागलपुरी सिल्क, इस तरह के जो ब्लाउज आते हैं ये स्टिच करवाने लायक नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई डार्क कलर में ब्लाउज है तो आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं। अदरवाइज साड़ी में बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे, तो आप कोई एक कलर का ब्लाउज इस पर वेयर कर सकते हैं। तो ये रहा ब्लाउज का पीस। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका पल्लू। तो ये रहा साड़ी का पल्लू। साड़ी के पल्लू में दोनों तरफ से आपको ये टैसल्स मिल जाएगी, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे। यहाँ पे भी आपको तीनों तरफ से ये वाला ग्रीन वाला बॉर्डर मिल जाएगा। बॉर्डर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब बैक साइड से देखिए आपको इस तरह से ये बॉर्डर दिखेगा, लेकिन सामने से अगर देखेंगे ना, हल्का सा पाइपिंग का आपको ग्रीन कलर का बॉर्डर इसमें दिखाई देगा। कलर कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत प्यारा लगा ये कलर। तो पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छा लगने वाला है। तो इसमें आपको फर वर्क मिल जाएगा। ये वाला जो लाइनिंग का ये पोर्शन है ना, सितारा टाइप में है, मतलब ये थोड़ा सा ना मुंह पोछने में चुभ सकता है, अदरवाइज साड़ी का लुक बहुत अच्छा आता है। मतलब ये चमकने वाली साड़ी है। तो मैं आपको साड़ी का ऊपर का जो बॉर्डर वो आपको कहाँ तक मिलेगा वो बता दूँ। तो ये देखिए एक और ये डेढ़ हाथ के बराबर आपको ये बॉर्डर मिल जाएगा। उसके बाद ये बॉर्डर जो है आपको नहीं मिलेगा। ये रहा टक करने वाला पोर्शन, यहाँ तक आपको ये पूरा प्लेन मिल जाएगा। जहाँ तक आपको ये ब्लाउज मिल रहा है वहाँ तक आपको प्लेन मिलेगा। नीचे का जो बॉर्डर है वो आपको कहाँ तक मिलेगा वो भी देख लीजिएगा। तो नीचे का जो बॉर्डर दिया गया है वो ब्लाउज पीस जहाँ तक है वहाँ तक आपको एक बॉर्डर दिया जा रहा है, मतलब लास्ट तक आपको ये बॉर्डर मिल जाता है। तो साड़ी का जो मटेरियल है वो जॉर्जेट का आपको मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा मटेरियल इसका आपको मिल रहा है, सॉफ्ट है। लेकिन ये वाला जो वर्क है इसकी वजह से थोड़ी सी साड़ी जो है ना हार्ड है, मतलब ऐसा चरर वाला लुक आता है, लेकिन साड़ी बहुत अच्छी है। साड़ी जो है आपको 5.5 मीटर की मिल जाती है, सेपरेट आपको 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज मिल रहा है। हील के साथ भी आप ये साड़ी को वेयर कर सकते हैं। तो ये रही मेरी फर्स्ट वाली साड़ी। सेकंड जो साड़ी है वो भी बहुत ही प्यारी है। ये जो साड़ी मैंने ली है ये कोमल सोनी मैम को देखने के बाद लिया है। एक्चुअली उन्होंने हाल ही में ये साड़ी का ना एक रील शेयर किया था अपने इंस्टाग्राम पे। तो इसका ओरिजिनल पिक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है।
जैसी दिखाई थी सेम वैसी आई है। इसका प्राइस भी यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके ब्लाउज की। ब्लाउज जो आपको देखिए भागलपुरी सिल्क वाला मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको इतना बॉर्डर दिया गया है, आप हाथ पे बैक साइड पे लगवा सकते हैं। इसका ब्लाउज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जैसे अभी ग्रीन साड़ी का दिखाया था मैंने ग्रीन ब्लाउज, वैसे ही ये वाला भी आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। और ये रहा साड़ी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी का पल्लू। साड़ी का जो मटेरियल है वो जॉर्जेट का आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये है साड़ी का पल्लू। यहाँ पे भी आपको ना ये वाले टैसल्स मिल जाएंगे दोनों तरफ से। पल्लू के दोनों तरफ आपको ये देखिए इस तरह से प्यारे प्यारे टैसल्स दिए जा रहे हैं। बॉर्डर आप देख सकते हैं बैक साइड से इस तरह से फिनिशिंग के साथ आपको मिल जाएगी। आगे जो है इस तरह से इसमें काम किया गया है। और साड़ी जो आपको ना पूरी मल्टी कलर की मिल जाएगी, बहुत प्यारी साड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ना ये मशीन का वर्क इसमें किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा थ्रेड वर्क किया गया है। बैक साइड से बिल्कुल भी मैसी नहीं लगता है, अच्छा लगेगा पहनने के बाद, इसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है। तो साड़ी का आप कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा मल्टी कलर है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला बॉर्डर आपको कहाँ तक मिलेगा। तो ये देखिए, एक और ये दो हाथ के बराबर आपको ऊपर वाला बॉर्डर दिया जाता है। उसके बाद ये प्लेन पोर्शन आपको दिया जाएगा, देखिए। और उसके बाद ये मिल रहा है आपको ब्लाउज। चलिए मैं आपको नीचे का जो बॉर्डर है वो कहाँ तक आपको मिलेगा वो भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ से पूरा देखिए, ये पूरा यहाँ तक आपको, यहाँ तक मिलेगा। इतना ये वाला पोर्शन आपको छोड़ के बॉर्डर नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद ये ब्लाउज आपको मिल जाएगा। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है, साड़ी भी बहुत ही सॉफ्ट है, पहनने के बाद बहुत अच्छी लगने वाली है। साड़ी जो है 5.5 मीटर की आपको मिल जाएगी। 80 सेंटीमीटर का आपको सेपरेट ब्लाउज दिया जाता है। हिल के साथ भी आप ये साड़ी को आराम से वेयर कर सकते हैं। अगर आपको लेना है तो आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो वर्क आप देख रहे हैं ना, ये थ्रेड वर्क, ये थोड़ा सा ना मतलब हल्का सा अजीब लग रहा है। अदरवाइज साड़ी का लुक काफी अच्छा है। अगर आपको ये वर्क अच्छा लग रहा है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट साड़ी की तरफ। नेक्स्ट जो साड़ी है ये भी बहुत ही प्यारी है। इसको मैंने ना इंस्टाग्राम पे देखा था, ये साड़ी को जो है ना शिल्पा मैम ने पहना था, तो मैंने उनका ये साड़ी देखा था तभी मुझे बहुत प्यारा लगा। मैंने सोचा चलिए मीशो पे देख लेती हूँ, अगर ये मीशो पे मिल जाएगी तो मैं तुरंत इसको बाय करने वाली हूँ, क्योंकि इसका ना कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। आज की जो दोनों तीनों साड़ी है वो मल्टी कलर में आपको दिखेगी, बहुत ही प्यारी साड़ी है ये। इसका जो मटेरियल है ना वो शिफॉन का है। इसका ओरिजिनल पिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। जैसी दिखाई थी सेम वैसी मुझे मिली है। ये साड़ी जो है ना आपको मीशो पे बहुत सारे सेलर के पास मिल जाएगी, लेकिन मैंने जिनसे लिया है उनका कोड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्लाउज की। तो इसमें आपको देखिए ये वाला सेपरेट ब्लाउज दिया जाता है। ब्लाउज जो है 80 सेंटीमीटर का आपको मिल जाएगा। मल्टी कलर का ये आपको ब्लाउज मिल रहा है। बहुत सॉफ्ट वाला मटेरियल आपको इसमें दिया जाता है। यहाँ पे आपको ये वाली बॉर्डर दी जा रही है, आप हाथ पे या फिर बैक साइड में आराम से लगवा सकते हैं। ये देखिए, इतना आपको ब्लाउज का मटेरियल दिया जा रहा है। मल्टी कलर का ये ब्लाउज आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर सिलवा के पहनेंगे तो ही अच्छा लगेगा, अदरवाइज आप कॉन्ट्रास्ट कलर का भी पहन सकते हैं। तो ये इतना आपको ये ब्लाउज दिया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं साड़ी की। साड़ी का पल्लू मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा मिलेगा आपको। तो ये देखिए, ये है साड़ी का पल्लू। साड़ी के पल्लू में आपको देखिए दोनों तरफ से ये वाला टैसल्स मिल जाएगा, जैसे दोनों साड़ी में दिखाया था सेम वैसे ही यहाँ पे भी दिया गया है। उसके बाद ये आपको बॉर्डर लगी हुई मिलेगी। बॉर्डर जो है तीनों तरफ से देखिए इस तरह से आपको दिखेगी, बहुत ही प्यारी बॉर्डर है। बैक साइड से भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग की गई है इसमें, आप देख सकते हैं कहीं से भी थ्रेड वगैरह नहीं निकला है। इसका जो मटेरियल है ना बहुत अच्छा, सॉफ्ट वाला शिफॉन आपको मिल जाएगा। ये भी मल्टी कलर की साड़ी है। कलर आप देख ही सकते हैं, पिंक कलर है, जामुनी कलर है, ऑरेंज कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, येल्लो कलर है। इस तरह से आपको कलर इसमें मिल जाएगा। व्हाइट कलर की साड़ी में आपको ये वाले इस तरह के बॉक्स मिल जाएंगे। तो चलिए ऊपर वाला बॉर्डर आपको कहाँ तक मिलेगा वो बता दूँ। तो ये देखिए, एक हाथ ये और ये डेढ़ हाथ के बराबर आपको ये वाली बॉर्डर दी जाती है। उसके बाद यहाँ से ये वाला पोर्शन देखिए पूरा स्टिच करके आपको यहाँ पे दिया गया है। अदरवाइज किसी किसी साड़ी में क्या होता है, यहाँ का जो ये पोर्शन रहता है ना एक्स्ट्रा, वो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, लेकिन इसमें स्टिच करके मिला है। उसके बाद ये वाला टक करने वाला पोर्शन है। साड़ी का मटेरियल बहुत अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट वाली साड़ी है। मुझे ये साड़ी बहुत पसंद आई, मैं डेफिनेटली आपको कह रही हूँ कि आपको लेना चाहिए ये वाली साड़ी को। तो चलिए मैं आपको नीचे का इसका बॉर्डर दिखा देती हूँ आपको कहाँ तक मिलेगा। तो
ये देखिए पल्लू से स्टार्ट होके पूरा आखिर तक आपको ये वाला बॉर्डर दिया जाएगा, ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरा एंड तक आपको ये वाला बॉर्डर दिया जाता है। मुझे बहुत प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी साड़ी है। 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिल जाती है। सेपरेट आपको साड़ी के मटेरियल का ही इसमें ब्लाउज दिया जा रहा है। 6 से 7 इसमें आपको आराम से प्लेट्स आ जाएगी। तो मुझे ये साड़ी बहुत ही प्यारी लगी, आई होप आपको भी अच्छी लग रही हो। अगर आपको भी अच्छी लग रही है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ फोर्थ एंड लास्ट वाली साड़ी। ये जो साड़ी है ये हाल ही में आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा। तो फाइनली ये साड़ी जो है मुझे मीशो पे मिल गई, तो मैंने इसको मीशो से ले लिया। हालांकि होता क्या है, इंस्टाग्राम से जो साड़ियाँ वो लोग परचेज करते हैं और फिर शेयर करते हैं, लेकिन हम लोगों में से ना बहुत कम लोगों को इंस्टाग्राम पे ट्रस्ट रहता है, क्योंकि ना किसी किसी के साथ तो बहुत धोखे भी हो जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट कर लेते हैं, फिर बाद में अगर प्रोडक्ट भेजना होता है तो ब्लॉक कर देते हैं आईडी, या फिर बंद कर लेते हैं। कोई कोई तो क्या करता है, प्रोडक्ट अगर भेज भी रहा है ना तो डुप्लीकेट कुछ भी भेज देते हैं। तो इसीलिए ना इंस्टाग्राम पे बहुत से लोगों को ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स एंड डीएम आते हैं, दीदी आपको भरोसा है ना, आपके कहने से ले लूँ क्या, क्योंकि ना पिछली बार मैंने लिया था तो मुझे ऐसा ऐसा मिला था। तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन एंड डीएम आते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि मैंने तो लिया, ट्रस्ट है मुझे उनके ऊपर, आप ले सकते हो। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मीशो से अगर वो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाता है तो क्यों ना मैं आपको शेयर करूँ। जिसको लेना है वो आराम से मीशो से ले सकता है, और मीशो पे आपको पता है कैसी पॉलिसी है, 7 डेज के अंदर आप रिटर्न या फिर एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप ही लोगों के लिए मैं मेहनत करती रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं ये वाली साड़ी को। ये साड़ी का ओरिजिनल पिक मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा, जैसा दिखाया था सेम वैसी साड़ी आई है। इसका जो प्राइस है ना थोड़ा सा महंगा है, मतलब 800 के ऊपर ये साड़ी मैंने मंगाई है, मतलब मुझे लगता है 812 रुपये की कुछ ये साड़ी मैंने मंगाई थी। तो साड़ी का जो प्राइस के हिसाब से मैं आपको बताऊँ ना, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छा इसका मटेरियल भी आपको मिल जाएगा। इसका मटेरियल मुझे अभी याद नहीं, लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके ब्लाउज की। ब्लाउज जो है आपको देखिए इस तरह से मिल जाएगा, जैसा रील्स में देखा था मैंने सेम वैसे ही इसमें ब्लाउज मिला है। बहुत ही प्यारा आपको इसमें ब्लाउज मिल रहा है, और ब्लाउज जो है ना आपको 80 सेंटीमीटर का आराम से मिल जाएगा। ये देखिए, और यहाँ पे ये वाली बॉर्डर दी जा रही है, जो हाथ पे आप या फिर बैक साइड पे लगवा सकते हैं, बहुत सुंदर है। ये देखिए नीचे भी आपको बॉर्डर मिल जाता है, आप हाथ पे या फिर बैक साइड पे दोनों तरफ आप अपने हिसाब से स्टिच करवा सकते हैं। तो ये रहा इसका ब्लाउज। अब देखते हैं इसका पल्लू। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, ये पल्लू का पोर्शन है यहाँ पे। देखिए यहाँ तक आपको ये पल्लू का पोर्शन मिल जाएगा, उसके बाद ये साड़ी स्टार्ट होता है। साड़ी की हाइट ना बहुत अच्छी है, हील के साथ वेयर करने के बाद भी ये साड़ी मुझे बहुत लंबी हो रहा था, मतलब बहुत अच्छा साड़ी का हाइट आपको इसमें दिया जा रहा है। ये देखिए पूरा साड़ी आपको एक जैसा ही मिलेगा, व्हाइट कलर का इसमें ना ये काम किया गया है ना, बहुत अच्छे से इसमें काम किया गया है। जैसे कि इसमें देखिए पिकॉक बने हुए, मटका बना हुआ है, तुलसी का वृंदावन जैसे बना हुआ है, आई होप मैं सही बोल रही हूँ। बहुत अच्छे से इसमें कारागिरी की गई है। साड़ी का मटेरियल, साड़ी का जो काम है बहुत सुंदर है, और पहनने के लिए भी बहुत ही अच्छी लगने वाली ये साड़ी। और साड़ी भी बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाती है, सिल्वर कलर के सीक्वेंस इसमें लगाए गए हैं, और थ्रेड का काम है, मतलब जो सीक्वेंस इसमें लगाए गए हैं उनको थ्रेड से सिलवाया गया है, जिससे कि वो जो सीक्वेंस है वो निकले ना। तो ये देखिए इस तरह से आपको ये साड़ी मिलेगी, मुझे बहुत प्यारी लगी। अगर आपको भी लेना है तो यहाँ पे मैं रीसेलिंग का प्राइस मेंशन कर रही हूँ, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो बहुत सुंदर साड़ी है, डेफिनेटली आप इस साड़ी को बाय करें। साड़ी जो है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छी है, गर्मी में पहनने के लायक है। ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्मी में नहीं वेयर कर सकते, और बहुत ही पतली है। अगर आपके घर में मूड ओढ़ने की प्रथा है तो आप इसको भी ले सकते हैं, ये पहनने के बाद आप मूड ओढ़ सकते हैं आराम से। तो बहुत सुंदर साड़ी है, 5.5 मीटर की आपको साड़ी मिल जाती है। सेपरेट आपको इसमें ब्लाउज मिल जाता है, साड़ी के ही मटेरियल का जो अटैच है यहाँ पे। तो साड़ी जो आप हिल के साथ भी वेयर कर सकते हैं, उसके बाद आपको इसमें 7 से 8 प्लेट्स आराम से आ जाती है। तो बहुत ही प्यारी साड़ी है, आई होप आपको ये साड़ी भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये साड़ी अच्छी लग रही है तो इसका जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप चाहे तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो ये रही मेरी लास्ट वाली साड़ी। अब सोच रहे होंगे आप कि ये जो मैंने साड़ी पहना है, ये साड़ी मैंने कहाँ से लिया है। तो डियर ये भी साड़ी मैंने मीशो से ही बाय की थी।
एक्चुअली हुआ ऐसा कि जो मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो शेयर किया था, उसी वीडियो के साथ ही मैंने कुछ वीडियो शूट किया था, तो उसी वीडियो में ये साड़ी का भी रिव्यू मैंने शेयर किया था। लेकिन हुआ ऐसा कि सब वीडियो डिलीट हो गई, उसकी वजह से ये वीडियो जो है पूरी उड़ चुकी है। यही था आज का हॉल वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको कुछ नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।